Ahmad. Thank you.
श्यामा लेके आगे चला गया यार। और साथ ही साथ हमारे सारे दोस्त
जिन्हें ये सम्मान मिला है। सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगा। नंदन जी और सारे जूनियर मेंबर्स को बहुत सारा धन्यवाद कि हमें इस लायक समझा कि हम इतने बड़े माननीय लोगों के सामने बैठकर उनके साथ में आकर उनसे हम ये सम्मान ले सके। तो नंदन जी आपको भी धन्यवाद। सारे जूनियर मेंबर्स अगर उपस्थित हैं तो बहुत ही नम्रता पूर्वक आप सबको नमस्कार और बहुत सारा धन्यवाद। कभी कभी लगता है कि शायद ये इस तरह के सम्मान मुझ जैसे अभिनेता को क्यों मिल रहा है और बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप गांव से निकले तो आपकी यात्रा बड़ी ही स्वार्थी थी, क्योंकि आप अपने लिए कुछ बड़ा देख रहे थे और आपको लगा कि गांव में रहने के मुमकिन नहीं। अपने माता पिता को छोड़ा, अपने गांव का घर छोड़ा, अपने सगे संबंधियों को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा, अपने सारे आराम की चीजों को छोड़ा और एक ऐसी यात्रा भी निकले जो बड़ी कठिन थी, लेकिन वो उस यात्रा में आपका अपना स्वार्थ था। उस यात्रा का जनमानस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भी हुआ अगर कुछ बदला मेरी यात्रा से, हमारी यात्रा से, उसकी यात्रा से, वो अनजाने में बदला। अगर कुछ बदला तो उसका श्रेय मैं कभी नहीं लेना चाहूंगा। अगर कुछ बदला तो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए वो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे आप आगे जो पीढ़ी गई उसने बहुत कुछ बदला था, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। जैसा कि पिछले में कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। हम चाहे न चाहे परिवर्तन तो होता रहेगा। आप चाहे जितनी भी बिजली हो, आप चाहे अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे, परिवर्तन तो होगा। संसार में अगर कोई चीज नहीं बदलती है और वो बढ़ती रहती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही है। बाकी इंसान जो है कौन है, छोटा सा प्राणी है। अगर कभी कभी आजकल आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आके कोई कोई पिक्चर देखते हैं, नासा ने ऊपर से दिया होता है तो उसे देखते भी नहीं है, तो हमारी औकात नहीं है। लेकिन अगर कुछ बदल गया आपसे, अच्छाई के लिए बदला, अनजाने में बदला और जिसके लिए आपने सम्मान दिया, तो उस सम्मान को मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि वो परिवर्तन से अनजाने में हुआ और इसका कारण है मैं अपने प्रारंभ से अपने गुरु, अपने माता पिता और इस यूनिवर्स और उस ऊपर वाले को देता हूँ। अगर इतना सारा देश मिला तो उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझे इस बहुत बड़े मंच से बुला के सम्मानित करने के लिए अपने महामहिम बालकृष्ण जी और ज्ञानेश्वर जी को बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा धन्यवाद।
चलिए आज कद का कद का फायदा हो गया। इंजीनियर बनने के लिए नाम पूछी इंजीनियरिंग की सोचा पढ़ाई खत्म करके फादर की जो कपड़े की शॉप है उसको और बड़ा करें और कुछ बिजनेस बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्ट का जो डाटा मुंबई लेकर आ गया और फिर लगा कि एक्ट पर बनाया है नाम कमाया है और कई साल उसके पीछे दौड़ते रहे बड़े बड़े रेगुलर बड़े बड़े डायनर्स बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की एक जो इच्छा थी उसके पीछे दौड़ते रहे और इतने साल बाद जब कोरोना का दबाव आया और एक आम लोगों के साथ रूबरू हुए उनकी जिंदगी के साथ जुड़े तो पता चला कि जो सिनेमा की दुनिया है वो तो एक एक अलग दुनिया थी जिसके अंदर हम हैं आज भी हैं रहेंगे भी लेकिन वो बड़ी छोटी थी अचानक जो सेक्स जिन पर हम लोग पहुँचते थे वो अचानक इतने बड़े लगते थे उस दौर के बाद से सब छोटे लगने लगे और लगा कि दुनिया तो इसके अलावा बहुत कुछ है। मुझे माँ को पंक्ति याद आ गई जो मेरी माँ कहा करती थी कि सोनू को भी अपनी टिकट खोल कर देखिए शायद मेरी हाथ के लिए दोनों ने किसी की जान बचाना लिखा हो। तो पता नहीं लगा कि कैसे बिहार कलकत्ता कहना चाहूँगा कि हम सब गलतियाँ भी करते हैं मगर जिंदगी में आपको
दोबारा अगर चांस मिल जाए तो उसे आपको दोनों हाथ से पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए और मैं इस सम्मान को वो चांस पकड़ के आगे बढ़ना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।